हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज एक न्यू रेसिपी लाई हूँ आप लोग के सामने। बैंगन भरता बनाऊंगी मेरी स्टाइल में। बैंगन भरता तो सभी बनाते हैं ना, आज मैं मेरी स्टाइल में बनाऊंगी। सो ये छोटे छोटे बैंगन हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। कैमरे में थोड़ी बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो साइज, ये देखो कितना छोटा है। सो, अभी इसको मैं ऐसे दो टुकड़ों में मैं काट लूँगी, मतलब इक्वल करके। सो, उसके बाद धो के रेसिपी शुरू करूँगी। सो, वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने के लिए कोशिश कीजिए। और हम बाकी राइज सकलों के मोर चेनल स्वागत जानसो। आज एटा बैंगनार पिटिकार रेसिपी आनीसो। सो वीडियो तो प्रथम पर शेष लेकिन कन्टिन्यू करके आशा करलो। अजिकाल गरम दिन बैंगनाब पुको ऊल्ए। सो जिये नौ चाय लम। सो गाइज, बैंगन को मैं दो तीन बार अच्छे पानी से धो के साफ कर ली। अभी इसको मैं कटिंग करूँगी। और एकदम सिंपल रेसिपी है गाइस ये। मैं दो टुकड़ों में काट लूँगी, सिर्फ दो पीसेस करूँगी। वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने के लिए कोशिश कीजिए गाइस। ऐसे ऐसे मैं दो टुकड़ा कर लूँगी, सभी को इधर ही रख दूँगी। और ये मतलब भट्टा इतना टेस्टी है गाइस खाने के। देखो गर्मी में थोड़ा बैंगन में ये कीड़े लग जाती है ना, यही प्रॉब्लम है बैंगन का। जो भी हो मैं काट के साफ कर लूँगी ना। जब मतलब घर पे कुछ भी दूसरे टाइप का सामान नहीं होती है, मतलब खाने के लिए टेस्टी बनाने के लिए, तो मैं यही करती हूँ। बैंगन भट्टा मुझे बहुत पसंद है। बैंगन बहुत पसंद है और फूल गोभी भी बहुत पसंद है मुझे गाइस। उसका भी एक पकौड़ा बना के मैं दिखाऊंगी कभी। देखो छोटी छोटी पीसेस। आज आप लोग के सामने मैं नहीं आऊंगी गाइस, सिर्फ रेसिपी लाई हूँ। तबीयत बहुत थोड़ी ठीक भी नहीं है, सो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग के सामने। रोज कुछ ना कुछ गाती हूँ ना, इसलिए आज ये सिंपल सा रेसिपी लेके आई हूँ। हो गई सभी बैंगन काट के और तीन है। देखो और बहुत टेस्टी होता है ये छोटा वाला बैंगन। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये बैंगन भरता की रेसिपी। सो गाइस, ये देखो बैंगन रेडी हो गई काट के। अभी नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। छोटे छोटे टिकलू सा भरता के लिए जो जो चाहिए मैं दिखा देती हूँ। ये हरा मिर्च है, प्याज तीन है, अदरक है और लहसुन है। अभी मैं मिर्चा को पहले फ्राई कर लूँगी। और गाइस, मिर्चे को तेल में डालने से बहुत मतलब फटक फटक फूट जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ी ऐसे इसको ऐसे करके बना दूँगी। ऐसे ऐसे करके
तो बहुत लटकती है कैसे, मतलब फटाफटक जैसे धमाके बम फटता है ना वैसे हो जाते हैं। नीचा जब भी फ्राई करो ऐसे कर लेना फर्स्ट, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। और नीचे को मैं ऐसे कर ली, प्याज को भी मैं काट दूंगी, पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ मिर्ची को, अभी मैं तेल दे दूंगी, मिर्चा को पहले फ्राई कर लेती हूँ। गरम हो रही है गाइस, अभी मैं मिर्चा को दे रही हूँ कढ़ाई पे। जब तक ब्राउन ना हो तभी तक फ्राई करनी है इसको। देखो गाइस ब्राउन हो गई, ऐसे फ्राई कर लेने से बहुत टेस्टी होती है, जो भट्टा होती है ना बैंगन का बहुत टेस्टी। थोड़ी तेल और लहसुन को भी फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल देखिए लहसुन, जिसको जिसको पसंद है लहसुन दे सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है नहीं भी दे सकते हैं। छोटी मोटी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, आज मैं ये लहसुन और अभी मैं बैंगन को फ्राई करूँगी। तेल दिए थी थोड़ी, और थोड़ी नमक दे दूंगी साथ में। बस पास को दिखा रही हूँ, बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेनी है पहले। जैसे बैंगन फ्राई बनाते हैं इस तरह की फ्राई कर लेने से अच्छा होती है। और ये मिर्चा लहसुन, अभी मैं प्याज को काट लूँगी गाइस, अभी मैं प्याज को काट लूँगी छोटी छोटी करके। और ऐसे लंबा लंबा पतला पतला करके रखूँगी मैं। ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा,
सभी प्याज को ऐसे निकाल लेंगे। फ्राई हो रही है गाइस, देखो थोड़ा ब्राउन हो रही है, देखिए पक गई है ना, ये हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती है, फिर भी बोल रही है क्योंकि पूरी हिंदी। थोड़ी मैं पास से दिखाती हूँ गाइस, मेरी बैंगन फ्राई ऑलरेडी कंप्लीट हो गई फ्राई करके, बैंगन फ्राई करके हो गई, अभी इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। सो गाइस, ये सब रेडी कर ली मैंने, मिर्चा बैंगन सब कुछ। अभी भट्टा बनाऊंगी मैं, थोड़ी नमक ऊपर में मैं डाल दी हूँ, बैंगन को फ्राई करते समय दे रही थी, लहसुन को थोड़ा ऐसे मरोड़ रही हूँ, साथ में हरा वाला जो मिर्चा है उसको भी पूरा अच्छे से फ्राई करके रखी थी। देखो अच्छे से ये सब मतलब भट्टा के लिए सब रेडी कर रही हूँ गाइस, और बहुत अच्छा रेसिपी है, एक बार घर में ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है। सो अभी इसको मैं ठीक से देखो मिर्चा कितना, जिसको ज़्यादा खाना पसंद है मिर्चा सो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और अदरक भी दे दी देखो, साथ में प्याज, प्याज नहीं देने से भरता स्वादिष्ट नहीं होगी मतलब बनेगी, इसलिए थोड़ी प्याज ज़्यादा दे रही हूँ मैं, और जिसको कच्चा वाला प्याज पसंद है वो प्याज को फ्राई करके भी दे सकते हैं गाइस, वो थोड़ा टेस्ट अलग होगी। देखो बहुत गर्म है, हाथ मतलब जल रही है, कढ़ाई से उठा के लाई हूँ, बहुत गर्म है अभी, मिर्चा को अच्छे से मिला रही हूँ, मरोड़ रही हूँ मैं। देखो और मेरी टूटी फूटी हिंदी सुन के हंसो मत गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। बैंगन को देखो पूरे अच्छे से मतलब देखो हो गई थी, एकदम नरम हो गई बैंगन, जैसे बैंगन फ्राई खाते हैं ना वैसे कर लेने से ही अच्छा होगा। सो इसको अच्छे से मैं एकदम सही तरीके से अभी सबको मैं मिलाऊंगी, उसके बाद मेरा भट्टा रेडी हो जाएंगी गाइस। बहुत गर्मी है इसलिए मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ भट्टा। सो गाइस देखो, आहा मुँह में पानी आ रही है देख के, इतना अच्छा मतलब मुझे बहुत पसंद है बैंगन भट्टा। देखो गाइस, और अगर मेरा ये बैंगन भट्टा का रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर बनती है ना। सो पूरा रेडी हो गई मेरी बैंगन भट्टा देखो गाइस, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
सो नेक्स्ट रेसिपी और ब्लॉग के साथ मैं फिर से आप लोग की मुंह हाजिर होंगी। देखो ऊपर में थोड़ी प्याज को ऐसे सजा के दे रही हूँ गाइस, जिसको पसंद है दे सकते हैं, जिसको नहीं पसंद है और जिसको पसंद नहीं है वो नहीं भी दे सकते हैं। देखो मेरी बैंगन भरता की रेसिपी कंप्लीट हो गई। सो आज के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।